और फवाद चौधरी ने रुयत हिलाल कमेटी से पहले ही चांद चढ़ा दिया। वफाकी वजीर ने कराची में आज चांद नजर आने की पेशगोई कर दी। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी खबरों में रहने का फन खूब जानते हैं और आए रोज किसी न किसी हवाले से बयान देकर मीडिया और आवाम की तवज्जो हासिल कर लेते हैं। इस बार फवाद चौधरी ने ज़िलहिज का चांद आज दिखाई देने की नवीद सुनाते हुए कहा कि कराची और गिर्दो नवाह में आज चांद नजर आ जाएगा, लेकिन मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम अबर आलूद होने के बाइस चांद का दिखाई देना मुश्किल है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने समाजी राबते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि ज़िलहज 1441 हिजरी के चांद की पैदाइश गुज़िश्ता शब 10:33 पे हुई। ताहम जिन इलाकों में बादल हैं वहाँ के रिहायशियों को चाहिए कि रुयत ऐप डाउन को डाउनलोड कर लें। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी एक हफ्ते कबल भी ईद उल अज़हा 31 जुलाई को होने की पेशगोई कर चुके हैं। फवाद चौधरी का कहना था कि अगली ईद से कबल चांद देखने के लिए इस्लामाबाद में ऑब्जर्वेटरी कायम की जाएगी और उम्मीद है कि हम रुयत-ए-हिलाल कमेटी का काम मजीद कम कर देंगे।